हरियाणा के यमुनानगर में 74वां राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तेजली खेल परिसर में ध्वज फहराने के बाद सीएम ने परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। सीएम ने इस दौरान सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। वहीं मुख्यमंत्री ने यमुनानगर के तेजली खेल स्टेडियम को मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 90 करोड़ रुपए की लागत से मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को 3 फेज में तैयार किया जाएगा। इसकी देखरेख खेल विभाग करेगा। उन्होंने कहा कि यहां पर कई इंडोर और आउटडोर खेल के लिए बहुत बड़ी जगह है। युवाओं को इस मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लाभ मिलेगा और नए खिलाड़ी यहां से तैयार होकर प्रदेश में देश का नाम रोशन करेंगे। तेजली स्टेडियम को देख करके मुझे थोड़ी सी निराशा हुई, तो यहाँ बैठ करके विचार आया कि इस स्टेडियम का क्यों नहीं जरा विस्तार किया जाए, इस कॉम्प्लेक्स को जरा अच्छा आधुनिक बनाया जाए। तो इसके लिए जो मन में विचार आया है वो ये कि इसका एक तेजली मल्टीपल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इसको बनाया जाएगा और 3 साल के फेजेज में, 3 फेजेज में इसका विकास करेंगे। कुल 50 एकड़ ये जमीन है और इसमें कई प्रकार के इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स इसकी प्रस्तावना की जा रही है। और इसमें जैसे फर्स्ट फेज के अंदर रेसलिंग, बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, जूडो, कबड्डी, लॉन टेनिस, आर्चरी, राइफल शूटिंग आदि ये सब इस अगले साल के अंदर ये सारे कार्यक्रम शुरू कराने की योजना बना दी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 27 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्कूली बच्चों के साथ परीक्षा पर चर्चा विषय पर सीधा संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री ने बच्चों से आह्वान किया कि वो प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम का हिस्सा जरूर बने ताकि वो आने वाली परीक्षाओं में अच्छे नंबर प्राप्त कर पाए। कल 27 जनवरी को प्रातःकाल 11 बजे पूरे देश के स्कूल के विद्यार्थियों के साथ, कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ वो सीधी वार्तालाप करने वाले हैं। आपने अपने अपने विद्यालय में 11 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ बैठ करके परीक्षा पे चर्चा इस कार्यक्रम में भाग लेना है, इसको कोई भी मिस ना करे। वही यमुनानगर में राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस विशेष रहा। इस समारोह के कार्यक्रम में कुछ ऐसी झलकियां देखने को मिली और कुछ ऐसे स्टंट भी देखे गए जो आज तक कभी नहीं हुआ। पुलिस जवानों के बाइक पर डेयर डेविल्स स्टंट और कमांडो के जवानों का पार्टी शो और फिर भारत का नक्शा बनाना, ये सब आकर्षण का केंद्र रहा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड का नेतृत्व आईपीएस अधिकारी दीप्ति गर्ग ने किया। पुलिस के 23 कमांडो जवानों ने बुलेट बाइक पर डेयर डेविल्स स्टंट किए। इस बीच हैरत अंगेज स्टंट दिखकर मुख्यमंत्री भी उत्साहित दिखाई दिए और उन्होंने भी मोटरसाइकिल चलाई, जिसके बाद दर्शकों का जोश और बढ़ गया। इसके साथ ही सीआईडी हरियाणा के बम को निष्क्रिय करने की कार्यप्रणाली का प्रदर्शन किया गया। गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर अलग अलग सरकारी विभागों ने सरकार की विकासात्मक जन कल्याणकारी नीतियों और विकास को दर्शाती हुई 19 झांकियों से अपनी विशेष छटा बिखेरी। वहीं स्कूली छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। मुख्यमंत्री ने गणतंत्र दिवस पर हिस्सा लेने वाले बच्चों, एनसीसी स्काउट के साथ फोटो भी खिंचवाई। वहीं जिले में अच्छा काम करने वाले अधिकारियों, पुलिसकर्मियों और समाज सेवियों को मुख्यमंत्री ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। यमुनानगर से राहुल सहजवानी, टोटल न्यूज़।